Hello students, how's you all? In last video of SST, we had discussed about the history chapter 1, and in this video of SST, we are going to discuss about the civic chapter 1. The chapter name is the Indian Constitution. Indian Constitution means होता है भारतीय संविधान. ओके, यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऐसे ही ये दे रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे और उसके की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एक क्या एग्जांपल दिया हुआ है फुटबॉल का, जैसे कि फुटबॉल का क्या रूल होता है ना कि फुटबॉल को हम पैर से ही मार के किक करते हैं, हाथ से टच नहीं करते हैं, या अगर आर्म से हमारे हाथ से अगर टच होता है तो ये फाउल माना जाता है ना. ऐसा है कि होता है फुटबॉल गेम में, तो इसमें सभी प्लेयर्स को फुट से ही पैर से ही बॉल को किक करना पड़ता है, इसमें इनका हैंड यूज़ नहीं करना पड़ता. वैसे ही कुछ रूल क्रिकेट के भी होते हैं, कुछ रूल हॉकी के भी होते हैं. ठीक है, सबके अलग अलग रूल होते हैं, और जो ये रूल है यही इनको एक दूसरे गेम से अलग करते हैं. मतलब जो क्रिकेट के जो रूल होते हैं और जो फुटबॉल के गेम के रूल होते हैं, इनके रूल ही इन गेम को अलग अलग क्लेरिफिकेशन करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा संविधान है, जो अलग अलग देश के जो नियम कानून हैं, वह हर एक वही नियम कानून जो है वो लिखे हुए रहते हैं. कहाँ पे एक किताब होती है, उस किताब में लिखे हुए रहते हैं. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कहने का अर्थ ये है कि किसी देश को चलाने के लिए, ठीक है, और किसी देश के नागरिक में समानता बनाए रखने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अ रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड सच रूल्स. और वहीं पे ये रूल्स जहाँ मिलते हैं, किसके रूल्स, ऐसी बुक या ऐसे लिखे हुए किताब जहाँ पे नियम और कानून जानने वाले सारे रूल्स लिखे होते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, वी हैव लुक्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द क्लास सिक्स. क्लास सिक्स में भी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, है ना. और तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसने इसे लिखा है. हाँ ठीक है, और कब लिखा गया, किसने लिखा है. इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी गेम में रूल ना हो तो वो गेम जो होगा वो हमेशा फाउल होगा, क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी जो प्लेयर होगा वो जो गेम के जो नियम होता है उसको फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, और नियम को फॉलो नहीं करेगा तो किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच पाएगा. ठीक, तो इसीलिए, और वैसे ही सेम किसी देश के लिए भी होता है, अगर किसी देश के नियम कानून नहीं होंगे तो वहाँ समानता नहीं बनेगी, वहाँ शांति नहीं हो पाएगी. ठीक है, टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, आज बहुत सारे देशों के अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन हैं. ठीक है, जबकि कहा जा सकता है कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी ऑल कंट्रीज़ दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी देश जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है सभी डेमोक्रेटिक हो. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस, फर्स्ट इट ले आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. ठीक है, इसमें जो नियम और कानून होते हैं वो हमें किसी देश में रहने के लिए सुरक्षित करते हैं. ठीक ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अवर सोसाइटी इज. कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी बताता है कि सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर क्या होते हैं, मीन्स हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की कम्युनिटी में रहना है, कैसे लोगों से दूर रहना है, किस पे विश्वास करना है, किस पे विश्वास नहीं करना है. कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिक ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें ये भी बताता है कि हमें अपने देश में किस प्रकार रहना है. ठीक है, और हमारा जो देश है वो सभी रहने वाले लोग को, अब उसमें जो नियम और कानून होते हैं उस पर सभी को एग्री करना पड़ता है. जैसे कि अगर हमें पता है ना कि हम अगर चोरी करते हैं तो हमें किस धारा के अकॉर्डिंग हमें हमारे पे चार्ज लगेगा, हमें जेल होगी, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमें पता होता है पहले से और हम सभी उस पर एग्री भी करते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो उस पर हमें क्या चार्जेस होंगे. ठीक, दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो द एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन आइडियाज दैट ऑल बिलीव.
और ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है, कि किसी एक व्यक्ति के लिए बस है, ये सभी के लिए होता है। ओके, ये हर धर्म और समुदाय के मानने वाले लोगों के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या था कि दिस इंक्लूड नॉट ओनली टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब सभी के एग्रीमेंट को भी करते हैं, मतलब कि इस बीच में जो नियम और कानून होते हैं उस पर सभी के एग्रीमेंट होते हैं, देश में रहने वाले सभी सिटीजन को वो मानने होते हैं। ठीक है, यहाँ है लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड वॉट वी मीन बाई दिस थ्रो टू, मतलब यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, दो मतलब कंपेनिंग है, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, आइए देखते हैं। नेपाल अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है नॉर्थ साइड से, अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्ची, पहले नेपाल क्या था, मोनार्ची था, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, जो प्रीवियस था कॉन्स्टिट्यूशन को कब एक्सेप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया, 1990 में, रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, इसमें क्या था, जैसे अभी क्या है ना कि लोगों को अधिकार है वोट देके अपने अपने लीडर को चूज करने का, तो वहाँ पे राजा होता था, सारा पावर किसके पास होता था, राजा के पास होता था, वहाँ के लोग ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बहुत लड़ाइयाँ की, उसके बाद उन्हें हज़ारों सैकड़ों साल तक फिर उन्हें डेमोक्रेसी मिला, कब, 2006 में। ठीक है, उसके पहले क्या कहते हैं, पावर किसके हाथ में रहता था, किंग के हाथ में रहता था, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और डेमोक्रेटिक बना तो फिर क्या हुआ, 2006 में ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और यहाँ पे राजा का पावर ख़त्म हो गया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अब वहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है। ठीक, द रीज़न दैट दे डिड नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द कंट्री, देखिए क्या रीज़न था कि वो लोग वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ था उस पर एग्री नहीं करते थे, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं था, वो सिर्फ पर्सनल एक राजा के बारे में रहता था, उसके पास ही हर चीज़ों का अधिकार रहता था। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वोटिंग होती थी हमारे यहाँ की तरह, फिर लीडर को चूज़ किया जाता था, इलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं होता था, बस राजा का जो परिवार होता था, राजा का सन, फिर ग्रैंड सन, फिर ऐसे ऐसे ही सब बनते जाते थे। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, जिस तरह से अगर हम किसी गेम फुटबॉल गेम में अगर उसके रूल को चेंज करें तो वो गेम ही पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, उसी तरह से जब नेपाल मोनार्ची से डेमोक्रेटिक बना तो बहुत सारे चेंजेस वहाँ होने लगे। ठीक है, एक सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो गई, दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यही रीज़न था कि वहाँ के लोग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अडॉप्ट किया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री 2015 में। ठीक है, द कैप्टन ऑलंग एलाबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, द सेकेंड पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड पर्पस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, या किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करता है या डिफाइन करता है, जैसे कि नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाई द किंग एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि नेपाल के पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो नेपाल है देश है वह राजा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा ही रूल किया जाएगा। ओके, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, ठीक है आगे देखते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग गार्डलिंग दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटीज, देखिए वही जो क्या होता है, और ये जो राजा थे, राजा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, ये लोग जो मिलकर नियम और कानून बनाते थे, वही सारे नियम और कानून प्रजा को मानने होते थे। ठीक है, उसमें उसमें प्रजा का कोई मतलब विशेष उनका कोई ये नहीं होता था कि उनके विचारों को भी पूछा जाए या जाना जाए, ठीक, वो सिर्फ राजा के अकॉर्डिंग चलता था। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर्स सो दैट वी कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली इन आवर बिहाफ, और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने लीडर को खुद ही चूज़ करते हैं, इसलिए उसके रिस्पॉन्सिबल उसकी चीज़ों को भी हम खुद ही फाइंड आउट करते हैं। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर माइट मिसयूज़ देयर अथॉरिटी, लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि लीडर अपने अथॉरिटी का या अपने जो उनके पास अधिकार उसका मिसयूज़ करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अगेंस्ट सेफ गार्ड भी रखा गया है ताकि कोई भी जो लीडर इसके पास पावर हो इसका मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है,
दिस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है जो आपको बताएगा कि कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। ठीक, सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ बुली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट। मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ ये क्या कह रहा है। सुरेश एक क्लास का मॉनिटर है, ठीक है, तो क्लास का मॉनिटर है जो बहुत ही जिद्दी और हटी है, मतलब वो अपने पावर का गलत यूज़ करता है। ठीक, मिसेज राव जैसी क्लास टीचर होती हैं, वो किसी अर्जेंट काम के लिए क्लास को छोड़ के जाती हैं और सुरेश को कहती हैं कि सुरेश और तुम्हें क्लास को माइंड करना है। और सुरेश कहता है कि किससे, अनिल नाम का लड़का रहता है, कि आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, अनिल मैं तुम्हारी कंप्लेंट मिसेस राव से करूँगा। तो अनिल पूछता है बट व्हाट आई हैव डन, लेकिन मैंने क्या किया है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं बताता, बस वो मज़े लेने के लिए ऐसा करता है। और जब मैम क्लास में आती हैं तो बताता है कि मैम आपके एब्सेंस में ये जो अनिल था ये क्लास को बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, बहुत तेज़ तेज़ बात कर रहा होता है। और टीचर अनिल को डांटती है कि आपको स्कूल में, मतलब उसकी क्लास मॉनिटर की बात सुननी चाहिए। ठीक है, और उसे पेनल्टी, मतलब उसे पनिश भी करती है कि तुम छुट्टी के बाद 100 times लिखोगे क्या कि आई विल नॉट डिस ओबे द क्लास मॉनिटर, कि मैं कभी भी क्लास मॉनिटर का डिस ओबे नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन वो बोलता है अनिल बट मैम आई डिड नॉट डू एनी थिंग, लेकिन वो बताता भी है कि मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुनती है। आगे देखिए, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स का मिसयूज करते हैं। इन केस में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से किस तरह से फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं। ठीक है, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें इन्हीं चीज़ों से बचाते हैं। ठीक है, और इसके पहले चैप्टर में आपने 7th में देखा था दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, कैसे उसके स्कूल में उसके टीचर्स, 7th क्लास की बुक में था कि कैसे उसके टीचर्स के साथ मतलब गलत व्यवहार करते थे, स्कूल में झाड़ू लगवाते थे, है ना, और सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे, सिर्फ किस लिए लगवाते थे झाड़ू, क्योंकि वह दलित था। ठीक है, और इन चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज, और पता है ना मैंने कि उसने फेस किया ऐसी प्रॉब्लम क्योंकि वह दलित था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी, और हम यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो संविधान है वो हमें एकता का अधिकार देता है। ठीक है, हमें कैसे बचाता है कि कोई हमें डिस्क्रिमिनेट कर सके किसी धर्म के अकॉर्डिंग, जात के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी गवर्नमेंट जॉब होती है किसी तरह का होता है तो होता है कि लोग धर्म, समुदाय, जाति के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी डिसाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए बनाया गया राइट टू इक्वालिटी, एकता या समानता का अधिकार। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू इक्वालिटी है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है जिसे किसने गारंटी किया है, किसने लाया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, आगे एक और है, एक और स्टोरी यहाँ पे है कि एक गेम पीरियड चल रहा होता है। ओके, और सभी बॉयज़ का क्रिकेट खेलने का मन होता है लेकिन गर्ल्स का जो मन होता है बास्केटबॉल खेलने का होता है, क्योंकि ये लोग हमेशा क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ये लोग, मतलब जो बॉयज़ होते हैं ये बॉयज़ गर्ल्स की बात नहीं सुनते हैं, तो ये लोग गेम्स टीचर के पास जाते हैं और गेम्स टीचर कहती है कि जिसकी मेजॉरिटी अधिक होगी उसी की बात मानी जाएगी। तो उस टाइम जो मेजॉरिटी अधिक होती है वह बॉयज़ की होती है, इसी रीजन से डिसाइड किया जाता है कि गेम मतलब क्रिकेट खेला जाएगा, बास्केटबॉल नहीं खेला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमें ये क्या बताता है, क्या स्टोरी समझा रहा है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू, ये जो सिचुएशन था कि जहाँ मेजॉरिटी अधिक हो उसकी बात सुनी जाएगी, कभी कभी ये हमारे समाज सोसाइटी में भी होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी मेजॉरिटी अधिक होती है उसी की बात ज़्यादा मान्य होती है, उसके पास पावर ज़्यादा होता है। जो स्टोरी बोर्ड ऊपर था आपने पढ़ा, इलस्ट्रेट एवरेज सोसाइटी इन द प्रॉन टू द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर द मिनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी मतलब नियम कानून बताता है कि जिसकी मिनॉरिटीज़ हो, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, वह किसी मतलब जिसकी संख्या कम हो उनको परेशान ना कर सके। ठीक है, तो जैसे कि जो मेजॉरिटी है किसी चीज़ की, मान लीजिए कोई समाज है जहाँ पे किसी एक धर्म के लोग बहुत हो, किसी हिंदू धर्म के लोग अधिक हो या किसी मुस्लिम धर्म के अधिक लोग हो, तो वे जिसकी मेजॉरिटी है वे मिनॉरिटीज़ के ऊपर मतलब जिसकी संख्या कम है उन पे हावी ना हो सके, उन पे अपने नियम कानून को न बना सके। एंड द रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और रीज़न है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, एक ये भी रीज़न है। ठीक है,
मतलब मेजोरिटी ऑफ मिनोरिटी की कोई भी मेजोरिटी जिसकी हो मिनोरिटी पे हक के शासन न चला सके, सभी को समान अधिकार मिले। दिस कैन रिफर टू एन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेम्बर ऑफ एन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद द सेम कम्युनिटी। हाँ, ये कब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में किसी एक कास्ट के लोग अधिक हो और दूसरे कास्ट के कम हो, तो उनका उनकी क्या संख्या ज़्यादा है, तो वो किसी दूसरे पर या किसी कम वालों पर हावी ना हो सके।